मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को पंडरिया विधानसभा के ग्राम कोदवा गोडान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को लबरा पार्टी, ठगड़ा पार्टी बताते हुए कांग्रेस को सबक सिखाने की बात कही। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में 5 साल ठगने का काम किया है, एक भी वादा पूरा नहीं किया, बल्कि छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया था, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। विराजमान हम सबके पूज्य आदरणीय राजीव लोचन जी महाराज, मंच में विराजमान हमर पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर सियाराम साहू जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक साहू जी, आदरणीय राम कुमार भट्ट जी, मंच में विराजमान जम्मो बड़े बड़े नेता मन, अब अत्येक खड़े मंझनिया तपती धूप मा अतेक बड़े संख्या में उपस्थित जम्मो भाई बहनी हो, मैं आप सब झल्ला प्रणाम करत हूं, आप सबके अभिनंदन और स्वागत करत। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, यह चुनाव है वो गरीब मां के बेटा के, जो गरीब मां के बेटा ईमानदारी और मेहनत से आज देश के जनता के सेवा करत है, गांव गरीब और किसान के सेवा करत है, ऐसे गरीब मां के बेटा ला तीसरैया पैत प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। गांव में जब चुनई आते तो आपस में बैठथन तो का गोठिया थन, कस काकी इधरी काकर है, वो काकर चला थे। तो वैसे संतोष पांडे जिला भारी मतों से आने वाला 26 तारीख के अपन अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के जिता के दिल्ली भेजना है और नरेंद्र मोदी जिला तीसरी बार सांसद बनाए में सहयोग करना है ना। और ये जो लबरा पार्टी, ठगरा पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी है, मतलब सबक सिखाना है। 5 साल खूब ठगे के काम करी ना, 36 ठन वादा करे रहीन 2018 के विधानसभा चुनाव में, 5 सालों मतलब सरकार चलाए के अवसर मिलीस, 1 ठन वादा कोई पूरा करीन, कोई वादा पूरा नहीं करीन, बल्कि हमर छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दीन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दीन। हमर वक्ता मन बोल चुकी है कि हर चीज में भ्रष्टाचार करे के काम करीन, कोयला में भ्रष्टाचार तो शराब में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, डीएमएफ के राशि में भ्रष्टाचार, और तो और नरवा गरुआ घुरुआ बारी के गोबर तक खा गिन। और आज कई ठन कांग्रेस के नेता मन और अधिकारी मन जो मन के सहयोग करीन आज सब जेल के अंदर में है, उमन के बेल नहीं होते। आज भी कुछ नेता कुछ अधिकारी मन जेल में गईन है जो शराब घोटाला में सरकार के सहयोग करत रही ने, शराब के दुकान में 2 ठन केस के काउंटर लगत रही, 1 काउंटर के हिसाब किताब सरकार के खजाना में, तो दूसरा काउंटर के हिसाब किताब कांग्रेस के आला कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खजाना में। पूरा कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के दारू के पैसा से चली से, तो ऐसा भ्रष्टाचार ये कांग्रेसिया मन करी नहीं। और 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ के जनता मल्ला सरकार से आउट कर दी से, अभी ये लोकसभा के चुनाव में मल्ला सबक सिखाना है, 1 सीट भी मल्ला लेन देना नहीं है कि देना है, खाता भी खोलने देना नहीं है छत्तीसगढ़ में। आप मन के राजनांदगांव के साथ साथ पूरा 11 के 11 लोकसभा सीट जिता के हमला नरेंद्र मोदी जिला सौंपना है ना। हाँ, तो हमर छत्तीसगढ़ के सरकार जो काम करी से ये 3-4 महीना में, वो सब ला जाना था, किसान मन बर, महतारी मन बर राम लला दर्शन योजना चालू होगी, यहाँ पर माता बहन मन बैठी है, 2 बार आप मतलब महतारी बंधन के पैसा मिल गिस ना, हर महीना आप मतलब पहली सप्ताह में मिली। मैं
सरकार के वित्त मंत्री ला कह चुके हों कि भाई आप 7 तारीख से 8 तारीख मत करना, 1 तारीख 2 तारीख को भेज दोगे तो और अच्छा होगा, और पहली सप्ताह में ही आपन के खाता में हर महीना महतारी बंधन योजना के 1000 रुपया आ जाही। आज कांग्रेसी अमन भरमात हैं, जगह जगह बोलत हैं कि ये महतारी बंधन योजना खाली चुनाव तक है, चुनाव के बाद में बंद हो जाही। मैं आप मल्ला मुख्यमंत्री के नाते कहत हूँ कि ये कभी बंद होने वाला नहीं है। जब तक आप मन हमला सरकार में बैठाए हो तब तक हर महीना आप मल्ला 1000 रुपया मिलने वाला है। आज ये आदिवासी क्षेत्र है और आज भारतीय जनता पार्टी में जितना आदिवासी मन के मान और सम्मान है उतना कांग्रेस पार्टी में कभी मान और सम्मान नहीं मिली से। कांग्रेस पार्टी खाली हमारे आदिवासी मल्ला बंधुआ मजदूर समझीस। आजादी के 75 साल में 55 साल 60 साल कांग्रेस के सरकार में आदिवासी मन बंधुआ मजदूर बन के रह गिन, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होइस। लेकिन जब हमारे भाजपा के सरकार आईस, आप मल्ला मालूम है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ के निर्माण करिन कि यहाँ के रही आदिवासी मन के विकास हो। आज भारत सरकार में अलग से मंत्रालय के गठन होइस। आज 10-12 करोड़ से ज्यादा संख्या पूरे देश में है, उमन के समुचित विकास हो इसलिए अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन ये भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार करीस। अगर आदिवासी मन के चिंता होतीस कांग्रेस ला तो पहले मंत्रालय वो बना चुकीस, चुकतीस बना बना देती सोहर, लेकिन बनाईस नहीं। आज ये देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद में आज हमारे समाज के बहनी द्रौपदी मुर्मू वो बैठी से, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ये काम ला कर सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में एक आदिवासी के बेटा ला आज दायित्व तो सौंपी से, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। तो हमारे आदिवासी भाई बनला सब ला मनन और चिंतन करना है। कांग्रेसिया मन एक ठन और भ्रम फैलाते हैं कि छत्तीसगढ़ में तो सरकार बन गई, इस बार अगर दिल्ली में भी सरकार बन जाएगी भारत सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी का तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं आपन ला बताना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कह चुकी से नरेंद्र मोदी जी कि जब तक हम हैं आरक्षण कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले खैरागढ़ के सभा में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह वो फिर दोहरा चुकी है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में है चाहे वो आरक्षण एसटी का हो एससी का हो चाहे ओबीसी का हो कोई खत्म होने वाला नहीं है। तो हमारे भ्रम में ये कांग्रेस मन के भ्रम में पढ़ना नहीं है। आज मन 1 लाख रुपया के फार्म भरवा थे हमारे माता बहनी मन के कि हमारी सरकार आएगी तो महीना में 8000 और साल का 1 लाख रुपया देंगे। मैं हमारे माता बहनी मन से पूछना चाहता हूँ, आप मतलब कांग्रेसिया मन की बात में विश्वास होते कि नहीं होए? नहीं होए ना, लबरा मन है मन, खाली वोट ठगे के लिए 1 लाख के फार्म भरवाते हैं।